हेलो गाइस, दिस कुशावर, वेलकम टू कुशावर सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो गाइस, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले क्लास 9th इकोनॉमिक एनसीईआरटी का चैप्टर 4। सो गाइस, इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि इंडिया में कैसे फूड सिक्योरिटी होती है, फूड की सिक्योरिटी कैसे होती है। सो थर्ड चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करा था, थर्ड चैप्टर में हमने डिस्कस करा था पॉवर्टी एज ए चैलेंज, यानी कि पॉवर्टी जो है वो क्या है, एक चैलेंज है, पॉवर्टी जो है वो एक चैलेंज है, ये हमने थर्ड चैप्टर में डिस्कस करा था, राइट। सो पॉवर्टी कैसे एक चैलेंज है, यानी कि गरीबी एक कैसे चैलेंज है, ये हमने पढ़ा था। सो इन सब पॉवर्टी एज ए चैलेंज इसके बारे में हमने डिस्कस करा था। सो इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम डिस्कस फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, राइट। अब आप देखिए कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में, राइट, ये जो हमारा इकोनॉमिक एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है, फूड चैप्टर, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सो ये इंडिया में फूड सिक्योरिटी कैसे होती है, अब पहले तो हम फूड सिक्योरिटी का मतलब जान लेते हैं। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है फूड सिक्योरिटी का अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ये होता है मतलब, राइट। क्या क्या होता है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, राइट, ये तीन फूड सिक्योरिटी का मतलब ये होता है, राइट। अब आप देखिए कि फर्स्ट अवेलेबिलिटी क्या होता है, अवेलेबिलिटी चलिए देखते हैं। तो देखिए अवेलेबिलिटी क्या होता है, तो मैं अवेलेबिलिटी क्या होता है, अवेलेबिलिटी, अब चलिए देखते हैं अवेलेबिलिटी क्या होता है। अब ये जो अवेलेबिलिटी होता है, यहाँ पे आप क्या, हम क्या करते हैं, जैसे हम एक शॉप पर जा रहे हैं, शॉप पर जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं, राइस लेने जा रहे हैं, हम मान लिया कि हम राइस लेने जा रहे हैं, ठीक है। अब शॉप कहाँ है, शॉप यहाँ से मान लिया कि आपके घर से 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 20 किलोमीटर दूर है राइस की शॉप, राइस लेने जा रहे हैं जहाँ से आप, वो शॉप इतनी दूर है। सो यानी कि दूसरे विलेज में है, दूसरे टाउन में है, राइट। अब सो इसी को हम कहते हैं अवेलेबिलिटी, यानी कि आप जैसे कुछ लेने जा रहे होते हैं पर वो क्या होता है, यहाँ से बहुत दूर होता है, या बहुत दूर होता है, कई किलोमीटर दूर होता है, या फिर दूसरे विलेज में होता है, राइट, ये हो गया। सो इसी को हम अवेलेबिलिटी कहते हैं। अब एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, अब एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी, राइट, एक्सेसिबिलिटी क्या होता है। अब देखिए कि हम राइस लेने शॉप पर जा रहे हैं, अब आप क्या शॉप पे, यहाँ पे शॉप पर पहुंच गए। अब जब आप शॉप पर पहुंचे, सो दुकानदार ने कहा, शॉपकीपर ने कहा कि राइस नहीं है। सो जब आप दुकान पर पहुंच जाते हैं और जब आपसे कहा जाता है कि वो वाला फूड ग्रेन, यानी कि जो भी आप लेने जा रहे हैं, या हम राइस लेने जा रहे थे, राइस नहीं है, तो उसी को हम कहते हैं एक्सेसिबिलिटी, क्या, एक्सेसिबिलिटी, राइट। अब यहाँ देखिए, ये तो समझ में आ गया एक्सेसिबिलिटी क्या होता है। अब आते हैं हम अफोर्डेबिलिटी क्या होता है, अफोर्डेबिलिटी होता है मतलब कि आप शॉप पर गए और वहां पे आपको चलिए राइस भी मिल गए, अब राइस मिल गए पर आपसे पास पैसे नहीं है, यानी कि 1000 रुपए, तो आपके पास पैसे नहीं है, ये इतने ज्यादा पैसे हो रहे हैं, है ना, राइस लेने जा रहे हैं तो इतने ज्यादा पैसे हो रहे हैं, पर अफोर्डेबिलिटी में क्या होता है कि यहाँ पे पैसे क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, मतलब कि जो आप राइस लेने जा रहे हैं उसका अमाउंट कम होना चाहिए, राइट। सो इसको हम अफोर्डेबिलिटी कहते हैं। सो ये मतलब होता है एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी इज कॉल्ड फूड सिक्योरिटी, राइट, ये हो गया क्लियर। फूड सिक्योरिटी क्या होता है, वाटर फूड सिक्योरिटी, ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ही था, वाटर फूड सिक्योरिटी। सो हमने ये भी पढ़ लिया फूड सिक्योरिटी क्या होता है। फूड सिक्योरिटी का मतलब तीन चीजें होती है जो मैं आपको बता चुका हूँ एक एग्जांपल से, राइट। अब आ जाते हैं हम, अब इसके बाद आ जाते हैं व्हाई आर फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी क्यों है, क्यों ये फूड सिक्योरिटी, आखिर
फूड सिक्योरिटी इसलिए है, जैसे कि मान लिया हमने कि जैसे नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, क्लाइमेटलिटी आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, ड्रॉट्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाती है, सो ये सब जब आ जाते हैं तो इसकी वजह से ये फूड सिक्योरिटी होती है। यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं बंगाल की, बंगाल में क्या आ गया था, बंगाल में जैसे सुनामी, ये बंगाल में एक बार क्या आ गई थी, तूफान आ गया था, है ना, वहाँ घर टूटने लगे थे। सो ये कब 1943 में, कब 1943 में, और यहाँ पे 3 लाख पीपल की डेथ हो गई थी, राइट। अब देखिए, अब जैसे मान लिया कि क्लाइमेटलिटी आ गई, सो क्लाइमेटलिटी आ जाती है तो क्या होता है, सो प्रोडक्शन जो होता है फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब फूड ग्रेन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है सो क्या हो जाता है, प्राइसेस जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, राइट। क्लियर हो गया ये, अब ये क्लियर हो गया आपको व्हाई आर फूड सिक्योरिटी, मतलब कि क्यों रहती है अब फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी नहीं होगी सो ये क्या होगा कि प्राइसेस भी ज्यादा हो जाएंगे और जो फूड ग्रेन है उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, राइट। सो अब देखिए, जो ये बंगाल जो है, बंगाल में कैसे, बंगाल में जो प्रोवेंस हुआ था, बंगाल का प्रोवेंस में जो फूड ग्रेन्स थे वो कितने थे, अब हम देखते हैं, चलिए राइट, अब देखते हैं कितने कैसे थे। अब यहाँ देखिए, आप मान लेते हैं कि हम यहाँ देखिए कि ये जो बंगाल था, ठीक है, बंगाल में राइस का जो प्रोडक्शन था वो बंगाल के प्रोवेंस में कैसे था। अब ईयर देख लेते हैं, यहाँ पे ये ईयर हो गए, ये 1938 ईयर, 1939, 1939, 1940, 1941, 1942 और 1943, ये तो हमारे ईयर्स हो गए, राइट। अब प्रोडक्शन ये क्या है, ये प्रोडक्शन है ये लाख टोन्स का प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन देखते हैं लाख टोन्स का, अब क्या है यहाँ पे, ये 1938 ईयर में 85% था, फिर 79, फिर इतना 82, ठीक है, फिर 68, फिर 93 और फिर 76, राइट। अब इम्पोर्ट्स क्या थे, इम्पोर्ट्स किसके लाख टोन्स में ही, इसमें लाख टोन्स में ही इम्पोर्ट्स कितने थे, सो पहले इस ईयर में नहीं थे, फिर 0, 4 हो गए, फिर 3, फिर 2, फिर खत्म हो गए, फिर 3, राइट। अब जो एक्सपोर्ट थे, ये तो इम्पोर्ट हो गए और ये क्या है, एक्सपोर्ट क्या थे, लाख टोन्स में एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट कब थे, ये बस कौन से ईयर में आए, ये एक्सपोर्ट जो थे वो कौन से ईयर में थे, बस एक्सपोर्ट 1942 में ही थे, बस वन, वो भी कितने एक्सपोर्ट, कितने परसेंट है, वन, राइट। अब टोटल अवेलेबिलिटी क्या है, टोटल अवेलेबिलिटी लाख टोन्स में है ये भी, राइट, क्या है 85, यहाँ पे 83, 85, फिर 70, फिर 92, फिर 79, राइट, ये हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे क्या था, ईयर, ये तो हो गई ईयर, ईयर 1938 में जो हमारा प्रोडक्शन था लाख टोन्स में वो कितना था, 85%, फिर इम्पोर्ट जो थे लाख टोन्स में वो कितने थे, वो नहीं थे, और एक्सपोर्ट भी नहीं थे। अवेलेबिलिटी कितनी थी, टोटल अवेलेबिलिटी 85, ठीक है। अब 1939 ईयर में जो प्रोडक्शन था लाख टोन्स का वो कितना था, 79, और जो इम्पोर्ट थे लाख टोन्स के वो कितने थे, 4। अब जो एक्सपोर्ट है वो नहीं थे, और जो टोटल अवेलेबिलिटी वो कितनी थी, 83, कितनी, 83। अब आप देखिए कि 1940 में जो प्रोडक्शन के लाख टोन्स थे वो कितने थे, 82, और जो इम्पोर्ट के लाख टोन्स थे वो कितने थे, 3, और एक्सपोर्ट के लाख टोन्स नहीं थे, और अवेलेबिलिटी कितनी थी लाख टोन्स में, कितनी, 85।
अब 1941 में ईयर्स में कितने थे, प्रोडक्शन प्रोडक्शन कितना था लाख टन में, 68, और इंपोर्ट कितने थे 2, और एक्सपोर्ट नहीं थे, और जो हमारा अवेलेबिलिटी थी वो कितनी थी 70। अब आप देखिए कि यहाँ पे ईयर 1942 में, ईयर 1942 में प्रोडक्शन के लाख टन कितने थे 93 थे, और जो इंपोर्ट है वो नहीं थे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट जो थे एक्सपोर्ट 1 कितने थे, सिर्फ 1 थे। अब एक ही ये ऐसा ईयर था 1942 जिसमें एक्सपोर्ट थे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अवेलेबिलिटी कितनी थी टोटल 92, कितनी 92। इस ईयर में ही क्या थे, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अवेलेबिलिटी और प्रोडक्शन थे, प्रोडक्शन की परसेंट थी, पर इंपोर्ट नहीं थे इस ईयर में। सो 1943 में कितने थे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लाख टन कितने थे 76, और जो हमारे इंपोर्ट के लाख टन कितने थे 3, और एक्सपोर्ट के नहीं थे, और अवेलेबिलिटी कितनी थी टोटल लाख टन में 79, ठीक है, ये हो गया। अब ये किसमें थे, ये क्या बताया मैंने, प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइस का प्रोडक्शन प्रोवेंस में, बंगाल के प्रोवेंस में कैसे हुआ, ठीक है, ये हो गया, राइट, क्लियर। अब इसके बाद आते हैं हमने, इसके बाद जो हमें दे रखा है टॉपिक वो क्या है, हु आर फूड इनसिक्योर, कौन फूड इनसिक्योर करता है, यानी कि इनसिक्योरिटी कौन करता है, जिनके पास जो लैंडलेस होते हैं, जिनके पास पैसा कम होता है, जिनके पास लैंड नहीं होता है एग्रीकल्चर करने के लिए, सो वो क्या करते हैं, वो इनसिक्योर करते हैं किसको, फूड को, राइट। अब जैसे अब एक स्टोरी पढ़ते हैं हम, स्टोरी ऑफ रामू, किसकी, रामू की। अब एक स्टोरी है किसकी हमें दे रखी है आपने, रामू की। अब देखिए क्या स्टोरी है, देखिए तो रामू की स्टोरी में, रामू जो था वो क्या था, एक रामू रायपुर में रहता था, वो एग्रीकल्चर करता था, और वो कहाँ रहता था, रायपुर में, ठीक है। और उसका एक सन था, वो कितने ईयर का था, वो था 10 ईयर्स का था वो, ठीक है। अब वो क्या था, वो जो उसका बच्चा था, सन था, वो एक क्या करता था, उसके एक क्या था, एक वो जा सरपंच उस विलेज का, उसके पास वो काम करता था। सो एक बार सरपंच क्या करता, उसे सरपंच के पैसे पेड करने का टाइम आ गया, तो सरपंच ने उसे 1000 रुपए पे कर दिए, ठीक है। अब देखिए कि ये जो रामू था, रामू की एक वाइफ थी, क्या वाइफ थी, और जो उसका सन था, उस सन के अलावा दो डॉटर्स और थी उसकी, ठीक है। अब जो हमारे ये जो उसकी वाइफ थी, उसका नाम क्या था, सुनहरी। वो किसके, वो घर के काम करती थी, जैसे घर को क्लीन करना, और जो उसका मैनेज करना, जो डंग जो होता था वो मैनेज करना, ठीक है। अब काऊ को उसको मैनेज करना, और वो क्या आधा लीटर दूध लेती थी वो, और उसमें क्या करती थी, कुकिंग करती थी वेजिटेबल्स को। सो वो क्या करती थी, यानी कि वो घर का काम ही करती थी। सो 4 मंथ हो गए उन्हें ऐसे ही करते, पर फोर्थ मंथ हो गए रामू को अनएम्प्लॉयमेंट, उन्होंने उसने क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट किया 4 मंथ तक। और उन फोर मंथ के बाद उसने क्या कर दिया, फूड इनसिक्योर करना शुरू कर दिया, राइट, किसने, रामू ने। तो स्टोरी ऑफ रामू समझ में आ गए। अब स्टोरी ऑफ सोमू, किसकी, सोमू की। अब बात आती है सोमू क्या है, अहमद की स्टोरी। सोमू तो कौन था, रामू का बेटा था, जो 10 ईयर्स का था वो, उसका नाम था सोमू। अहमद की स्टोरी। अब अहमद की स्टोरी देखिए, अहमद बेंगलोर में रहता था, और वो क्या करता था, वो रिक्शा वाला थे, क्या रिक्शा को खींच खींच के चलाता था, ठीक है, जो रिक्शा खींच के चलाते हैं उसे चलाता था, राइट। अब जो थे उसके क्या थी, 3 सन्स थे और 2 डॉटर्स थे, यानी कि 3 बेटे थे
तीन बेटे थे और दो लड़कियां थी, राइट, क्लियर हुआ? अब वो जो था उसको वो रिक्शा खींचकर ही अपने परिवार को चलाता था, है ना, और वो डे टू डे ही रिक्शा खींचता गया और ऐसे ही वो अपना गुजारा करता गया। पर उसने फूड एंड सिक्योर नहीं करा, फूड सिक्योर ही करा उसने, राइट। दोनों की स्टोरी समझ में आ गई, स्टोरी ऑफ रामू और स्टोरी ऑफ अहमद, दोनों की स्टोरी समझ में आ गई आपको। अब देखते हैं हम एक चार्ट, सॉरी एक टेबल देख लेते हैं हम। अब क्या देखते हैं उस टेबल में, क्या दे रखा है हमें, तो उस टेबल में हमें दे रखा है, उस टेबल में जो हमें दे रखा है, देखिए उस टेबल में हमें दे रखा है परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विद हंगर इन इंडिया। यानी कि हमें ये बताना है कि हंगर जो होता है इंडिया में, हंगर जो होता है उनकी परसेंटेज बतानी है। अब हंगर जो होता है, हंगर भी देखिए, अब यहाँ पे पहले स्टार्ट को रफ कर देते हैं हम। देखिए अब यहाँ पे क्या, देखिए ये अब यहाँ हो गया हमारा ईयर्स, ये तो हमारे ईयर हो गए। अब हम रूरल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी, रूरल की, रूरल, ठीक है, हम यहाँ पे रूरल की बात करते हैं पहले, तो किसकी, रूरल की। अब रूरल की बात करते हैं, चलिए हम यहाँ पे रूरल में, यहाँ पे ईयर देख लेते हैं हम 1983, यहाँ 1993 to 1994, फिर यहाँ 1999 to 2000, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ क्या है नीचे, अर्बन, अर्बन क्या है 1983, फिर 1993 to 1994, फिर 1999 to 2000, राइट। अब यहां देखते हैं हम सीजनल, यहां लिखा हुआ है सीजनल, सीजनल में 6.2 और 4.2% परसेंट बतानी है, 2.6, राइट, और ये कितनी है 5.6, 1.1, 0.6, और ये जो क्रॉनिक है, क्रॉनिक क्रॉनिक जो हंगर के नाम ये क्रॉनिक 2.3, 0.9, 0.7, 0.8, 0.5, 0.3। अब जो टोटल है, टोटल कितना है, टोटल है 18.5, 5.1, 3.3, और यहाँ पे कितना है अर्बन में 6.4, 1.6, 0.9, राइट, ये हो गया। अब यहाँ देखिए कि ये तो हमें रूरल और अर्बन दोनों में बताया गया है ना। ये तो ईयर हो गया हमारा 1983 में कितना था, 1993 to 1994 में, और 1999 to 2000 में। अब सीजनल में 1983 ईयर में कितने परसेंटेज, 16., सीजनल हंगर की 16.2, और अर्बन में कितनी थी, अर्बन में 5.6 ही थी सिर्फ, और जो क्रोनिक था हमारा, क्रोनिक वो उसमें कितनी थी 2.3, और अर्बन में कितनी थी हमारी, अर्बन में 0.8, और टोटल कितनी थी 18.5 और इसमें 6.4 सिर्फ, है ना। तो अर्बन में क्या है, हंगर कम है, क्योंकि अर्बन क्या है यहाँ पे, अर्बन अर्बन में महंगाई होती है इसलिए। अब यहाँ पे 1993 to 1994 में अब 4.2 कितने थे सीजनल में, 1.1 सीजनल में आते हैं, क्रोनिक कितने थे 0.9 और अर्बन में 0.5, अब टोटल 18.5, वो सॉरी 5.1 और इसमें 1.6 सिर्फ, और सीजनल में 1999 to 2000 ईयर में सीजनल में 2.6 और 0.6, अब क्रोनिक में 0.7 और 0.3, और टोटल कितनी थी 3.3 और 0.9 टोटल। अब ये क्लियर हो गया आपको, राइट, ये क्लियर हुआ। अब ये तो हमने कितना, ये परसेंटेज पढ़ ली हंगरी की, हंगर की, हंगर्स की। अब इसके बाद जो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इंडिया में फूड सिक्योरिटी कितनी है। अब हम देखेंगे फूड सिक्योरिटी कितनी है, चलिए देखते हैं। अब इसे पहले हम रफ कर देते हैं यहां से। अब ये जो इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी बतानी है हमें, वो एक चार्ट से बतानी पड़ेगी, किससे, चार्ट से, ठीक है।
ठीक है, तो देखते हैं वो स्टार्ट को किस चीज का चार्ट है। वो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया, प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन इंडिया में, इन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो है इंडिया में, राइट। अब इन मिलियंस, मिलियंस में हमें बताना है, मिलियंस में बताना है हमें। सो चलिए देखते हैं, अब यहां पे क्या है, 250, यहाँ पे कितनी है 200, यहाँ कितनी है 150, और यहाँ कितनी है 100, यहाँ कितनी है 50, यहाँ 0, राइट। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ ये 200 की लाइन हम बना लेते हैं, 150 की, 100 की, 50 की, राइट। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो ईयर है ये 1960 to 1961 में कितनी थी, यहाँ पे 50 से ऊपर थी। अब यहाँ पे 1970 में 71 थी, कितनी 71, यानी कि 100 से भी ऊपर चली गई थी यहाँ पे। और 1980 में टू 81 में कितनी थी, यहाँ पे कितनी चली गई थी, यहाँ पे 100 से ऊपर चली गई थी, यानी कि थोड़ा सा ही ऊपर गई थी, यहाँ पे थोड़ी सी ही बढ़ी थी ईयर, इस ईयर के, इस ईयर में, है ना। अब 1990 to 1991, अब यहाँ देखिए कि यहाँ तक कितनी चली गई थी, 150 से भी ऊपर चली गई थी, और यहाँ 2001, राइट। तो यहाँ कितनी थी, यहाँ बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी, बिल्कुल सेम ही थी, सेम पोजीशन ही थी वही, ठीक है, राइट। अब देखते हैं 2001 to 2002 में कितनी थी, यहाँ पे, यहाँ पे सबसे ज्यादा चली हुई थी कितने, 200। अब ये हो गया। सो अभी हमारा ये चार्ट बन गया आपको क्लियर। अब इसमें क्या है कि हमारा 1960 to 1961 में कितनी थी, कितनी परसेंट थी हमारी, 50% से ऊपर चली गई थी, है ना। 1971 में 100% से ऊपर चली गई थी। फिर 1980 to 1981 में कितनी थी, 100 से ऊपर थी, पर यहाँ कम बढ़ी थी। तो 1999 में और 2001 में कितनी थी, यहाँ पे कितनी थी, 2001 में, 2000 में कितनी थी, सो यहाँ पे थी, यहाँ पे हमारी 150 से ऊपर चली गई थी। सो 2000 to 2001 में कितनी थी, उतनी ही है, इस ईयर में नहीं बढ़ी थी। सो 2001 to 2002 में कितनी थी, यहाँ पे 200% थी, राइट। ये क्लियर हो गया। अब फूड सिक्योरिटी इन इंडिया ये पता चल गया। अब इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें प्रोडक्शन पढ़ा इंडिया में कितना है, फूड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना है फूड ग्रेन्स का, राइट, ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद ये देखेंगे हम कि ये जो फूड सिक्योरिटी है इंडिया में, फूड सिक्योरिटी जो है इस, ये जो टू टाइप के है फूड, ये टू टाइप के है। अब क्या क्या है वो टू टाइप के, एक तो है हमारा, एक है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, या एक है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट, ये है, राइट। अब दूसरा क्या है, दूसरे में हम देखेंगे यहाँ पे कि दूसरा जो है वो क्या है, चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। अब दूसरा क्या है, बफर स्टॉक है दूसरा हमारा, बफर स्टॉक, और क्या है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट। अब बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक इज ए स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, ये क्या है, फूड ग्रेन्स का बफर स्टॉक है ये, बफर स्टॉक जो है वो इंडिया का जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है उसका क्या है, ये स्टॉक है एक, राइट। अब ये हो गया बफर स्टॉक। अब इसके बाद जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये हमारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है हमारा, इसमें जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें क्या होता है। अब ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं PDS, राइट, ये भी लिख सकते हैं हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। अब इसमें क्या होता है कि ये जो राशन शॉप जो होती हैं, राशन शॉप कितनी है, 5.5 है हमारे इंडिया में, राइट, राशन शॉप, उसमें फ्री में राशन यहाँ फूड ग्रेन्स मिलते हैं, है ना। सो उसी को हम कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये क्या है, पब्लिक का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राइट।
अब हम देखेंगे यहाँ क्या हो गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट। अब इसके बाद जो है हमारा, अब ये हमारा पढ़ लिया हमने फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में कैसे टू टाइप्स होती है, एक बफर स्टॉक और किससे होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ये होती है, राइट। क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया हमने इस चैप्टर में पढ़ा, यानी कि इंडिया में कैसे फूड सिक्योरिटी होती है, फूड की सिक्योरिटी होती है कैसे इंडिया में। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड सिक्योरिटी जरूरी है, फूड की सिक्योरिटी जरूरी है, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।